अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आज हम निबोश आईजीसी का एलिमेंट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। सो ये इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपने एक दफ़ा खुद रीड कर लेने हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सो एलिमेंट 4.1 हमारे पास है एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सो एलिमेंट 4.1 में हम डिटेल में एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सबसे पहले हमारे पास एक्टिव मॉनिटरिंग है, लुकिंग एट कंट्रोल मेयर्स टू सी इफ दे आर करेक्ट एंड बीइंग यूज्ड बिफोर एक्सीडेंट और कॉज्ड। कंट्रोल मेयर्स कहते हैं हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमने चीज़ें इंप्लीमेंट की होती हैं उन्हें हम कंट्रोल मेयर्स कहते हैं, या हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए जो हमने एहतियाती तदाबीर ली होती हैं उन्हें हम कंट्रोल मेयर्स कहते हैं। मीन्स के हादसा होने से पहले हम देखते हैं कि जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल मेयर्स इंप्लीमेंट किए हैं क्या वो हमारे लिए प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें हम एक्टिव मॉनिटरिंग में देखते हैं। जिस तरह के हम वर्क प्लेस की जो रिस्क असेसमेंट है वो मॉनिटर करेंगे क्या वो प्रॉपरली बनी है या नहीं बनी हादसा होने से पहले, या जिस तरह परमिट टू वर्क सिस्टम देखेंगे कि वो हमारे लिए प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हादसा होने से पहले जो भी हम चीज़ें अपनी देखते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें एक्टिव मॉनिटरिंग में आती हैं। जिस तरह के हम वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करते हैं वो भी एक्टिव मॉनिटरिंग में आता है। फिर हमारे पास है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। रिएक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब ये है हादसा होने के बाद, मीन्स कि हम रिएक्ट करते हैं। एक्टिव का मतलब ये होता है कि हादसा होने से पहले हम बिल्कुल एक्टिव होते हैं ताकि हादसा ना हो, जबकि रिएक्टिव में जब हादसा हो जाता है जो एक्सीडेंट इंसिडेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं या इल हेल्थ डाटा जो होता है वो सारा डाटा यूज़ करते हुए हम जो है हाईलाइट एरियाज ऑफ कंसर्न, जो हमारी खामियाँ हैं जो हमारी कमजोरियाँ हैं हम उसको हाईलाइट करते हैं ताकि वो हम गलती दोबारा रिपीट ना करें और फ्यूचर में दोबारा हादसा ना हो। ये सारी चीज़ें रिएक्टिव मॉनिटरिंग में की जाती हैं। हमने एक्टिव मॉनिटरिंग पे फोकस करना है, हमने रिएक्टिव मॉनिटरिंग पे फोकस नहीं करना, क्योंकि रिएक्टिव मॉनिटरिंग हादसा होने के बाद करते हैं जबकि एक्टिव मॉनिटरिंग हादसा होने से पहले करते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग मीन्स के हादसा होने से पहले जो हम चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उन्हें हम एक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। सो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह के मेयर कन्फार्मस नॉन कन्फार्मस विद स्टैंडर्ड्स, के जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कन्फार्मस कहते हैं पूरा करना, नॉन कन्फार्मस पूरा ना करना, कि जो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट अगेंस्ट प्लान, कि जो हमने प्लान किया हुआ था कि इतने नंबर्स में रिस्क असेसमेंट बनेंगी और क्वालिटी रिस्क असेसमेंट बनेंगी, क्या वो प्रॉपरली प्लान के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। फिर हम देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू शेड्यूल, कि शेड्यूल के मुताबिक कंपनी के वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई। फिर हम देखते हैं कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग्स टू शेड्यूल। कंसल्टेटिव कहते हैं मुशावरती, कि जो मुशावरती कमेटी मीटिंग्स थी शेड्यूल के मुताबिक वो हुई हैं या नहीं हुई। बेसिकली ये कमेटी मीटिंग्स होती हैं, इसमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उनको सॉल्व किया जाता है, वो हमने देखना है कि वो शेड्यूल के मुताबिक हुई हैं या नहीं हुई। फिर हमने देखना है वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन जो है वो शेड्यूल के मुताबिक हुई है या नहीं हुई। इंस्पेक्शन बेसिकली की जाती है कि वर्क प्लेस पर जो हैजर्ड्स हैं वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड किए गए हैं या नहीं किए गए, या जो वर्क प्लेस पर हैजर्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली कंट्रोल इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए, ये वर्क प्लेस इंस्पेक्शन में देखा जाता है। और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आप एक्टिव मॉनिटरिंग में देख सकते हैं, जिस तरह के परमिट टू वर्क सिस्टम आप देखेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। फिर आप देखेंगे कि लोगों को टूल बॉक्स स्टॉक जो है वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या एरिया बैरिगेट किया जा रहा है काम शुरू करने से पहले, या सेफ्टी साइन पुट किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मीन्स के हादसा होने से पहले जो हम मॉनिटर करते हैं वो सारी चीज़ें एक्टिव मॉनिटरिंग में आती हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग हम 3 डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेफ्टी इंस्पेक्शंस,
सैम्पलिंग एंड टूअर्स। सो ये थ्री डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है सेफ्टी इंस्पेक्शन। सेफ्टी इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस। हम पूरी वर्क प्लेस का मुआयना करते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और हैजर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, और फिर हम अपनी वर्क प्लेस पे देखते हैं कि हमारी वर्क प्लेस पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिर हम स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन करते हैं। स्टैट्यूटरी मीन्स कानूनी, मीन्स के लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो हम इंस्पेक्शन करते हैं उसे हम स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन कहते हैं, कि हमारी वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये हम स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन में देखते हैं। फिर हम अपनी वर्क प्लेस पे जो प्लांट है, जो मशीनरी है, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं। फिर हमारे पास है प्री यूज़ चेक। प्री यूज़ चेक का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले जो हम चेकिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसे हम प्री यूज़ चेक कहते हैं। जिस तरह कि अगर हमने किसी गाड़ी पे कहीं जाना हो तो उस गाड़ी में सबसे पहले हम टायरों की हवा चेक करेंगे, फिर हम ब्रेक्स वगैरह देखेंगे फिर कि वो प्रॉपरली काम कर रही हैं नहीं कर रही, फिर हम फ्यूल देखेंगे कि हमारी गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल है या नहीं है। मीन्स के कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले जो हम चेक करते हैं उसे हम प्री यूज़ चेक कहते हैं। यूजली डन बाय वन लाइन मैनेजर और अ कम्पिटेंट पर्सन। जो सेफ्टी इंस्पेक्शन है ये या तो लाइन मैनेजर करे या कोई कम्पिटेंट पर्सन करे। कम्पिटेंट पर्सन वो होता है जिसके पास प्रॉपरली नॉलेज हो, एबिलिटी हो, ट्रेनिंग हो और एक्सपीरियंस हो। ये चारों चीज़ें जिस बंदे के पास हों वो बंदा कम्पिटेंट होता है। सो सेफ्टी इंस्पेक्शन कौन करे, लाइन मैनेजर करे या कम्पिटेंट पर्सन करे। फिर हमारे पास है सेफ्टी सैम्पलिंग। सेफ्टी सैम्पलिंग में बेसिकली एक सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है और वो सैंपल जो दूसरे एटम्स होते हैं उनके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, उनका नुमाइंदा बन जाता है। सेफ्टी सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू जज कंप्लायंस। इसमें हम एक सैंपल उठा लेते हैं, उस सैंपल की पूरी इंस्पेक्शन करके हम फिर जज कर लेते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लॉज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस तरह के हमारी वर्क प्लेस पे कोई 600 या 700 फायर एक्सटिंगशर हैं, तो अगर वन बाय वन सब की हम इंस्पेक्शन करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, रैंडम पोजीशन से मुख्तलिफ 40 या 50 फायर एक्सटिंगशर उठा लेंगे और फिर उनकी इंस्पेक्शन करेंगे। सो वो 40 या 50 जो हम उठाएंगे वो सैंपल बन जाएंगे, मीन्स के वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बन जाएंगे और जो दूसरे एटम्स होंगे उनको वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो 40-50 हम सेलेक्ट करेंगे जो सैंपल, उनकी हम इंस्पेक्शन करते हुए फिर हम देख लेंगे कि जो दूसरे एटम हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की या लॉज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उस पर टाइम भी कम लगता है, क्योंकि अगर हम वन बाय वन सब एटम्स की इंस्पेक्शन करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होगा। फिर हमारे पास है सेफ्टी टूर। ए हाई प्रोफाइल वॉक अराउंड इंस्पेक्शन इन वर्क प्लेस कैरिड आउट बाय ग्रुप इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजर। ये एक हाई प्रोफाइल इंस्पेक्शन होती है जिसमें एक पूरी टीम होती है, जिसमें सीनियर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, ऑफिसर, पूरी एक टीम होती है जो वर्क प्लेस का टूर करती है और वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करती है। द इंटेंशन इज़ टू इंटरेक्ट एंड कैन बी हाईली विजिबल। ये सेफ्टी टूर होता है, इसमें ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो पूरी टीम होती है, जो कंपनी के वर्कर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कंसल्ट करते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इश्यूज होते हैं वर्क प्लेस पे वो डिस्कस किए जाते हैं सेफ्टी टूर में। सो ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। सिस्टमैटिक इंस्पेक्शन। सिस्टमैटिक मीन्स एक तरतीब से बाकायदा तौर पे या मुनज्जम तरीके से जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंस्पेक्ट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम प्लांट देखेंगे, प्लांट में मशीनरी होती है और व्हीकल्स होती हैं। हम मशीनरी देखेंगे, व्हीकल्स देखेंगे, क्या ये सेफ टू यूज़ हैं या नहीं है, क्या मशीनरी व्हीकल्स थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हैं या नहीं है, या और भी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। फिर हम प्रिमिसेस देखेंगे। प्रिमिसेस मीन आहाता, चार दीवारी, जो कंपनी का आहाता है, उसके अंदर जो कंपनी की वर्क प्लेस है उसको हम देखेंगे और एनवायरनमेंट को देखेंगे। वर्क प्लेस पर हम देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो वर्क प्लेस पर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लॉज हैं उनकी रिक्वायरमेंट वर्क प्लेस पर पूरी हो रही है या नहीं हो रही, लोग सेफली वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या वर्किंग एनवायरनमेंट देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है वर्किंग वो हैजर्ड फ्री है या नहीं है। फिर हमारे पास है पीपल। हम पीपल देखेंगे, लोग देखेंगे, फिजिकली हम इंस्पेक्शन करके वहाँ पे देखेंगे कि लोग जो वर्किंग मेथड है वो सेफ वर्किंग मेथड यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या सेफली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनका हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड बिहेवियर कैसा है उनका। फिर जो कंपनी में मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं
उनकी हम इंस्पेक्शन करेंगे, जिस तरह के सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हम देखेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कंपनी में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या परमिट टू वर्क सिस्टम जो है कंपनी में वो इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया, या लोग परमिट टू वर्क के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर हम रिस्क असेसमेंट्स वगैरह की इंस्पेक्शन करेंगे प्रोसीजर्स में। सो ये चार बेसिकली चीज़ें होती हैं जो हम सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन में देखते हैं, प्लांट, प्रीमिसेस, पीपल, प्रोसीजर्स। अरेंजमेंट्स फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग, फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, कि हमने कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं कि जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करना है एक्टिव मॉनिटरिंग करवाने के लिए, तो कौन कौन से फैक्टर हमने कंसीडर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, हमने किस किस्म की मॉनिटरिंग करवानी है। जिस तरह के एक्टिव मॉनिटरिंग में तीन किस्म की मॉनिटरिंग्स हैं, सबसे पहले हमारे पास सेफ्टी इंस्पेक्शन है, फिर सेफ्टी सैम्पलिंग है, फिर सेफ्टी टूअर्स हैं। सो हमने पहले देखना है हमने किस किस्म की मॉनिटरिंग करवानी है, हमने सेफ्टी सैम्पलिंग करवानी है, हमने सेफ्टी इंस्पेक्शन करवानी है, या हमने सेफ्टी टूर करवाना है। फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के, जो हमने इंस्पेक्शन करवानी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिस तरह के हफ्ते में एक दफ़ा करवानी है या महीने में एक दफ़ा करवानी है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिस्क लेवल के हिसाब से होती है, अगर रिस्क ज़्यादा होगी तो हम इंस्पेक्शन भी ज़्यादा करवाएंगे, जिस तरह के वीकली करवा लेंगे, अगर रिस्क कम होगी तो मंथली से भी काम चल जाएगा। तो ये रिस्क लेवल पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। फिर हम देखेंगे एलोकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, हम लोगों की जिम्मेदारियां एलोकेट करेंगे, जिम्मेदारियां बांटेंगे, जो कि इंस्पेक्टर की मदद करेंगे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। जिस तरह के इंस्पेक्टर अगर कहेगा कि आप कंपनी के हमें परमिट टू वर्क सिस्टम दिखाएं, या रिस्क असेसमेंट दिखाएं, या कोई और अपनी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी दिखाएं, या कोई और डॉक्यूमेंट दिखाएं, तो वो लोग जो जिम्मेदार होंगे वो इंस्पेक्टर की हेल्प करेंगे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। सो उनकी हमने जिम्मेदारियां एलोकेट करनी है। फिर हमारे पास है कॉम्पिटेंस ऑफ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर है जो इंस्पेक्शन करेगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मीन्स के उसके पास नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो सकता है जो हमारी कंपनी में इंस्पेक्शन करने आए इंस्पेक्टर वो कॉम्पिटेंट ज़्यादा ना हो, या वो हमारी वर्क प्लेस के साथ ज़्यादा फेमिलियर ना हो, या हमारी वर्क प्लेस को ज़्यादा जानता ना हो, तो फिर हमने क्या करना है, एडिशनल उसको ट्रेनिंग देनी है अपनी वर्क प्लेस के बारे में, उसको हैजर्ड्स कंट्रोल ए टू जी अपनी कंपनी की पॉलिसी सब चीज़ें उसको बतानी है, ताकि जब वो इंस्पेक्शन करेगा वर्क प्लेस की तो उसको कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। फिर ये हमने देखना है यूज़ ऑफ चेकलिस्ट, हमने चेकलिस्ट वगैरह अरेंज करनी है कि जब इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा तो हमने उसको चेकलिस्ट वगैरह कंपनी की प्रोवाइड करनी है। चेकलिस्ट पे बेसिकली आइटम मुख्तलिफ मेंशन होते हैं जो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन वो इंस्पेक्टर चेक करेगा, वो सारी चीज़ें चेकलिस्ट पे मेंशन होती है, ताकि वो चीज़ें कोई स्किप ना कर जाए। फिर हमारे पास है एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम फाउंड, सो जब इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा तो वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो होंगे हमारे डिपार्टमेंट में या हमारी वर्क प्लेस पे वो हमें बताएगा, सो फिर हमने एक्शन लेना है उस पर, जो वो प्रॉब्लम बताएगा उस पर हमने एक्शन प्लान करने हैं, ताकि उन कमज़ोरियों को उन खामियों को हम दूर कर सकें। सो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए जब भी हमने अपनी कंपनी में प्लान करवाना है एक्टिव मॉनिटरिंग करवाने के लिए। फिर हमारे पास है एग्जांपल इंस्पेक्शन सिस्टम, जिस तरह के हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर हमने एक्टिव मॉनिटरिंग प्लान करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन कौन से फैक्टर हमने कंसिडर करने हैं, वही सेम टू सेम उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझा रहे हैं कि अगर हमने बैंक का एक हेड ऑफिस है उसकी इंस्पेक्शन करवानी है तो हमने कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्पस, इंस्पेक्शन करवाने का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जो इंस्पेक्टर होगा वो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स मॉनिटर करेगा, कि जो हेड ऑफिस है बैंक का उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पर्पस है इंस्पेक्शन करवाने का। इसकी फ्रिक्वेंसी है मंथली, मीन्स के महीने में ये एक दफ़ा हमने करवानी है। फिर कंपिटेंस, जो इंस्पेक्टर है उसके कॉम्पिटेंस के लिहाज से हमने उसको एक दिन की ट्रेनिंग देनी है, मींस के हो सकता है वो बैंक के हेड ऑफिस का जो ऑपरेशन है उसके साथ फेमिलियर ना हो, तो उसको बैंक के हेड ऑफिस का जो ऑपरेशन है उसके बारे में उसको बताना है। फिर पर्सनल रिस्पांसिबल, कौन बंदा ज़िम्मेदार होगा जो इंस्पेक्टर की हेल्प करेंगे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, वो है हमारे पास मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स। हेड ऑफिस में डिफरेंट लेवल पर जो मैनेजर होंगे वो ज़िम्मेदार होंगे, जो मदद करेंगे इंस्पेक्टर की ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। फिर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट वगैरह हमने अरेंज करना होगी, जो कि हमने इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करनी है वो, ताकि प्रॉपरली चीज़ों को चेक करें, ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। तो हमें जनरल चेकलिस्ट वगैरह चाहिए होंगी, टेलर्ड इफ़ रिक्वायर्ड,
अगर वहाँ पे चेकलिस्ट ना हुई, हो सकता है वो जो सेफ्टी इंस्पेक्टर है वो खुद ब खुद वो चेकलिस्ट वगैरह तैयार कर ले। टेलर का मतलब होता है खुद तैयार करना, हो सकता है वो खुद तैयार कर ले अगर उसको चाहिए होगी चेकलिस्ट। फिर हमारे पास है फॉलो अप अरेंजमेंट्स एंड एक्शन प्लान। सो एंड पे जो इंस्पेक्टर होगा वो हमें बैंक के हेड ऑफिस में जो खामियाँ होंगी या अगर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम नहीं हो रहा होगा वो एंड पे हमें बताएगा। फिर उसके लिहाज से उन खामियों को दूर करने के लिए, जो भी कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम एक्शन प्लान करेंगे ताकि वो हम सारी चीज़ें दूर कर सकें जो खामियाँ हैं। फिर हमारे पास है ग्रुप एक्सरसाइज। इन ग्रुप्स लिस्ट द टॉपिक हेडिंग्स दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑन एन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर यूज इन योर वर्क प्लेस। डिज़ाइन अ रफ फॉर्मेट फॉर द इंस्पेक्शन चेकशीट। के आपने अगर अपनी वर्क प्लेस पर इंस्पेक्शन करवानी है उसके लिए जो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होगी उसमें कौन कौन से टॉपिक हेडिंग्स इंक्लूड होने चाहिए, सो उसका जो डिज़ाइन होगा उसका एक रफ फॉर्मेट हमें बना के दिखाएं। सो इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है। टिपिकल टॉपिक्स इन जेनेरिक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। जो जेनेरिक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होती है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले हमारे पास है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के बारे में चेकलिस्ट पे मेंशन होगा कि जिस तरह के फायर सेफ्टी में इमरजेंसी स्केप रूट्स प्रॉपरली डिज़ाइन किए गए हैं या नहीं किए गए, या इमरजेंसी एग्जिट डोर जो हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन किए गए हैं या नहीं किए गए, या वर्क प्लेस पर प्रॉपर फायर एक्सटिंगुइशर हैं या नहीं है। फिर हाउस कीपिंग आ जाता है, हाउस कीपिंग मेंशन होगी चेकलिस्ट पे कि वर्क प्लेस पर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, या हाउस कीपिंग का मतलब ये होता है कि चीज़ों को एक तरतीब में रखना। फिर इन्वायरमेंटल इशूज़ आ जाते हैं हमारे पास, इन्वायरमेंटल में आ जाता है कि वहाँ पर स्पेस कितनी है, वेंटिलेशन या लाइटनिंग लेवल कितना है वर्क प्लेस पर, वो सारी चीज़ें चेकलिस्ट पर मैंशन होगी। फिर ट्रैफिक रूट्स के बारे में होगा कि जो ट्रैफिक है उसके जो रूट्स हैं वो अलग हैं, जो पेडेस्ट्रियन चलने वाले रूट्स हैं उनके अलग हैं, ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट पे मेंशन होंगी। फिर केमिकल सेफ्टी के बारे में चेकलिस्ट पे लिखा होगा कि जो भी केमिकल वर्क प्लेस पे यूज़ हो रहा है उसको किस तरह हैंडल किया जा रहा है उसकी सेफ्टी के बारे में मेंशन होगा चेकलिस्ट पे। फिर मशीनरी सेफ्टी, कोई भी मशीनरी है तो उसकी सेफ्टी के बारे में चेकलिस्ट पे मेंशन होगा। फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है उसके बारे में मेंशन होगा। फिर वेलफेयर फैसिलिटीज़, लोगों को जो मुख्तलिफ सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह के अकोमोडेशन या वाशिंग फैसिलिटीज़ या मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही, ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट पे मेंशन होगी जो इंस्पेक्टर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन किसी भी वर्क प्लेस पे चेक कर सकता है। फिर हमारे पास है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, इल हेल्थ, अदर अनवांटेड इवेंट्स एंड सिचुएशंस हाइलाइट्स एरियाज ऑफ कंसर्न। रिएक्टिव मॉनिटरिंग बेसिकली हादसा होने के बाद हम करते हैं, मीन्स कि हादसा होने के बाद हम रिएक्ट करते हैं। उसमें हम बेसिकली एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इल हेल्थ जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं उसका डाटा यूज़ करते हुए हम हाइलाइट्स करते हैं एरियाज ऑफ कंसर्न, कि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है, हमारी खामियाँ क्या है, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, वो हम देखते हैं कि किस वजह से हादसा हुआ है। फिर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग, क्योंकि चीज़ें तो पहले ही गलत हो गई हैं, हादसा हो गया है, इससे हम क्या करते हैं, मेयर फेलियर, हम अपना फेलियर मेयर करते हैं, हम अपना फेलियर मेयर करते हैं कि किस वजह से हादसा हुआ है। फिर हमारे पास है टू मेथड्स, लेसन फ्रॉम वन स्पेसिफिक इवेंट, डाटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड। कि हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, दो रीजंस हैं मेन जिसकी वजह से हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। एक तो हम लेसन मींस के सबक लेने के लिए, जो स्पेसिफिक इवेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है उसे सबक हासिल करने के लिए, ताकि वो वाला हादसा दोबारा फ्यूचर में ना हो, इसलिए हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास है डाटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड, हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उस डाटा को फिर एनालाइज करते हैं ताकि वो वाला हादसा फ्यूचर में ना हो। सो डाटा कलेक्ट करने के लिए हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं कोई जो स्पेसिफिक इवेंट होता है। फिर हमारे पास है रिएक्टिव मॉनिटरिंग डाटा कलेक्टेड अबाउट। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कौन सा डाटा होता है, सबसे पहले एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो गया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, उसका जो डाटा होगा वो हम कलेक्ट करेंगे। एक्सीडेंट कहते हैं एनी अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट दैट लीड्स टू पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। ये अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट होता है जिसमें लाजमी प्रॉपर्टी डैमेज होती है या बंदा इंजर्ड हो जाता है। फिर डेंजरस अकरेंस, कोई ख़तरनाक कोई इवेंट जो अकर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ख़तरनाक हादसा हो सकता है, उसका जो डाटा होगा वो हम कलेक्ट करेंगे।
फिर नियर मिस, नियर मिस कहते हैं बाल बाल बच जाना, एनी अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट दैट हैज पोटेंशियल टू काज हार्म बट डिड नॉट इनफेक्ट, कोई भी अनप्लैंड अनवांटेड इवेंट जिसमें पोटेंशियल है हमें नुकसान पहुंचाने का पर हकीकत में वो हमें चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती, उसे हम नियर मिस कहते हैं। सो नियर मिसेस के रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर वर्कर कंप्लेंट्स, जो लोगों ने, जो कंपनी के वर्कर्स हैं उन्होंने जो कंप्लेंट्स की होंगी रिगार्डिंग वर्क प्लेस या सेफ्टी के रिलेटेड, वो उसके रिलेटेड जो डाटा होगा वो हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर इन्फोर्समेंट एक्शन, इन्फोर्समेंट एक्शन तब लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जब ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं उनकी पासदारी ना करे या उनके साथ कंप्लाई ना करे, फिर जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इन्फोर्समेंट एक्शन लेते हैं। सो इन्फोर्समेंट एक्शन का जो डाटा होगा वो हम कलेक्ट करेंगे। सो ये सारा डाटा कलेक्ट करने का मकसद क्या होता है, ताकि हम अपनी कमजोरियां खामियां देखें किस वजह से हादसा हुआ है और ताकि वो फ्यूचर में हादसा ना रोनुमा हो दोबारा। फिर ये डाटा सारा यूज़ करते हुए हमें किस चीज़ में मदद मिलेगी, असिस्ट इन एनालाइजिंग ट्रेंड्स पैटर्न्स, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड्स देख सकते हैं पैटर्न्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड्स देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हादसा जो हैं पिछले साल के नस्बत कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, इससे हमें ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा इस डाटा के थ्रू। फिर पैटर्न्स के थ्रू पता चलेगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हॉट स्पॉट्स हैं, जो की एरियाज ऑफ कंसर्न हैं जो हमने हाईलाइट किए थे, क्या उनमें कमी आई है या नहीं आई, या जो इंजरीज हैं वो इंजरीज में कमी आई है या नहीं आई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये डाटा सारा जो कलेक्ट करने का मकसद होता है इससे हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आप लास्ट टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट जो है वो ये फार्मूला यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट टाइम एक्सीडेंट कितने हुए हैं। लास्ट टाइम कहते हैं कि जिसमें हमारा टाइम लॉस हो, वो हादसे जिसमें हमारा टाइम लॉस हो, जिसमें लास्ट टाइम इंजरीज ज़्यादा से ज़्यादा हों। जिस तरह के लास्ट टाइम इंजरी कहते हैं कि अगर कोई बंदा वर्क प्लेस पर इंजर्ड हो जाए वो 24 घंटे के अंदर अंदर या उससे अगले दिन काम पर वापस ना आए तो वो एक लास्ट टाइम इंजरी काउंट होती है। जिसमें लास्ट टाइम इंजरी ज़्यादा होती हैं, जिसमें नुकसान हमारा ज़्यादा होता है, हमारा टाइम ज़्यादा लॉस होता है, उसे हम लास्ट टाइम एक्सीडेंट कहते हैं। सो लास्ट टाइम एक्सीडेंट निकालने का ये नीचे फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप लास्ट टाइम एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी रेट निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।